हेलो दोस्तों, 17 अप्रैल 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सौनी प्रोजेक्ट के लिंक 2 के फेज़ 1 का इनॉग्रेशन किया। आज हम लोग इस योजना के बारे में पढ़ेंगे। इस सौनी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके 4 लिंक्स कौन कौन से हैं, हमें इस लिंक की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इस सौनी योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सौनी प्रोजेक्ट है वो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट से किस तरह भिन्न है और ये दूसरे अन्य इरिगेशन प्रोजेक्ट से किस तरह अलग है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2012 में, सितंबर 2012 में, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 17 अप्रैल को उन्होंने लिंक 2 के फेज़ 1 का उद्घाटन किया, इसको नेशन को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने लिंक 2 का जो फेज़ 2 है इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा। लिंक 2 जो है वो नर्मदा वाटर का जो पानी है वो 17 डैम जो गुजरात में बसे हुए हैं उनमें पानी ये छोड़ेगा। देखिए आखिर होगा क्या, नर्मदा का जो पानी है वो 4 लिंक से अलग अलग डैम में जाएगा। ये जो लिंक हैं यही है सौनी प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया जाएगा वो लिंक। एक डैम यहाँ पर होगा, एक डैम यहाँ पर होगा, मतलब कि डैम से डैम पानी जाएगा और ये जो लिंक बनाई जाएगी ये सौनी प्रोजेक्ट के अंदर बनाई जाएगी। आप ये जो अंतिम वाला जो डैम देख रहे हैं इस डैम से पानी जाएगा किसानों के खेतों में। तो एक तरह से ये एक पूरा एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का जो लिंक 1 है, इसका जो फेज़ 1 है, इसको प्रधानमंत्री जी ने पिछले अगस्त 2016 में ही राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इस बार उन्होंने लिंक 2 का फेज़ 1 राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, सौनी प्रोजेक्ट एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज़ का मतलब ये होता है कि वो प्रोजेक्ट एक से अधिक चीज़ों को, एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट आपको इरिगेशन के लिए वाटर देगा और ये प्रोजेक्ट आपको ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट मेनली गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन है उसका जो वाटर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्विसाज किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सरदार सरोवर डैम से जो एक्स्ट्रा वाटर आएगा उसको अलग अलग डैम में, गुजरात के जो अलग अलग डैम हैं उनके पास ये पहुंचाया जाएगा। यह सरदार सरोवर डैम, यहाँ का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अलग अलग डैम के पास पहुँचाया गया। इन डैम से पानी जाएगा किसानों के खेतों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो टेक्निकली ये जो सौनी प्रोजेक्ट है ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये एक कैनाल बनाएगा इस डैम से, इस डैम के बीच में जो कैनाल होगा ना ये वाला, ये कैनाल का निर्माण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो पूरी पाइपलाइन होगी, ये जो पूरा कैनाल होगा वो ज़मीन पे नहीं होगा, ये ज़मीन के अंदर होगा, ये अंडरग्राउंड होगा। टोटल 1126 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क होगा और जो 115 रिजर्वायर को भरेगा। देखिए ये डैम है, इस डैम के पीछे होते हैं रिजर्वायर जिसमें पानी भरा होता है, तो इस रिजर्वायर को पानी भरेगा इस लिंक के थ्रू। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 लिंक होंगे, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। लिंक 1 जो होगा वो 180 किलोमीटर लंबा होगा जो माचू 2 डैम से पानी ले जाएगा सानी डैम तक। देखिए यहाँ पर है लिंक 1, यहाँ पर है लिंक 2, ये है लिंक 3 और लिंक 4। किस डैम से शुरू होता है, किस डैम तक खत्म होता है, इस मैप में सारा चीज़ दिखाया गया है। आपको चारों लिंक बताए गए हैं। ये सौराष्ट्र रीजन का जो वाटर इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। जो लिंक 2 है वो 253 किलोमीटर लॉन्ग है जो कि लिमडी 2 डैम से निकलेगा और रयादी डैम तक पहुँचेगा। ये 17 डैम को पानी प्रोवाइड करेगा। देखिए ये है लिंक, यह है पहला डैम, यहाँ से पानी निकला, इस कैनाल के थ्रू जाएगा और ये 17 डैम को पानी प्रोवाइड करेगा और इन 17 डैम से पानी जाएगा अलग अलग किसानों के खेतों में। जो तीसरा लिंक है वो 245 किलोमीटर लंबा है जो कि धौली डारजा डैम से निकलेगा और वेन्यू 1 डैम जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है वहां तक ये पहुंचेगा। लिंक 4 कहां से कहां तक है? लिंक 4 है लिमडी 2 डैम से ही और ये हिरान 2 डैम तक पहुंचेगा जो कि गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे लिंक आप देख रहे हैं इस मैप में। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब मानसून सीजन होता है तो जो सरदार सरोवर डैम का जो रिजर्वायर है वो ओवरफ्लो हो जाता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जो पानी है वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को जाता है। जब ये रिजर्वायर ओवरफ्लो होता है तो उस ओवरफ्लो का जो वो जो फ्लड वाटर है उसका 3 मिलियन एकड़ फीट इतना पानी गुजरात के हिस्से में जाता है। अब देखिए, 3 मिलियन एकड़ फीट में से उन्होंने 3 भाग में बांटा। 1 मिलियन एकड़ फीट को दे दिया उन्होंने नॉर्थ गुजरात को और
अगला एक मिलियन एकड़ फीट है उसको दे दिया उन्होंने कच्छ रीजन को, और अगला एक मिलियन एकड़ फीट है उसको दे दिया उन्होंने सौराष्ट्र रीजन को। तो इस तरह उन्होंने अपने हिस्से का 3 मिलियन एकड़ फीट इस्तेमाल किया। ये जो 1 मिलियन एकड़ फीट आया था सौराष्ट्र के हिस्से में, इस पानी को अलग अलग डैम तक, अलग अलग डैम से उस फार्म तक के पहुंचाने का जो जिम्मा था वो इस सौनी प्रोजेक्ट के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसमें जो 4 पाइप कैनाल बनेंगे उनमें से 3 शुरू होगा सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से और 1 शुरू होगा मोरबी डिस्ट्रिक्ट से। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है, सरकार का फ़ायदा क्या है, इकोलॉजी का फ़ायदा क्या है और लोगों को, फार्मर्स को क्या क्या फ़ायदा है। दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे किसानों को, पहले वो केवल खरीफ क्रॉप ही लगा पाते थे, अब वो खरीफ और राबी दोनों तरह की फसलें लगा पाएंगे। उन्हें वाटर मिलेगा इरिगेशन के लिए, उन्हें वाटर मिलेगा ड्रिंकिंग के लिए। इसीलिए हम लोग इस सौनी प्रोजेक्ट को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहते हैं। करीब 10,22,000 एकड़ ज़मीन को इरिगेशन मिलेगी और 731 विलेजेस और 31 टाउन को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। जो फ्लड वाटर जो बह जाता था, जो समुद्र में छोड़ना पड़ता था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। देखिए सौराष्ट्र रीजन जो है वो ड्रॉट प्रोन रीजन है। अगर आपके पास कोई रीजन है वो सूखा है और दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई डैम है जिसमें पानी ओवरफ्लो कर रहा है और समुद्र में जाकर के बह रहा है, तो ये गवर्नेंस के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती, ये इनएफिशिएंट गवर्नेंस मानी जाती है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ओवरफ्लो हो रहे वाटर का सही इस्तेमाल करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जो सौराष्ट्र जो रीजन है उसको इरिगेशन मिलेगा, उसको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और जो पाइप कैनाल बनाई जाएंगी वो कन्वेंशनल ओपन पाइप कैनाल नहीं होंगी, ये ओपन नहीं होंगी, ये अंडरग्राउंड पाइप कैनाल्स होंगी, ज़मीन के अंदर बनाई जाएंगी। अब चूंकि पाइप कैनाल ज़मीन के अंदर बनाया जा रहा है तो वहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन है उसकी समस्या ही नहीं है, क्योंकि सरकार को जो लैंड है उसको एक्वायर करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो लैंड एक्वायर करने में जो पैसे थे वो बचेंगे और इसमें जो समस्याएं आती थी वो बचेंगी। चूंकि पूरा कैनाल अंडरग्राउंड रन करेगा, तो देखिए ओपन कैनाल होता है ऐसा, अब ऊपर से जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, जो वाटर जो कैनाल में बह रहा है वो क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, है ना। 3 लीटर पानी मान लेते हैं बह रहा है, उसमें से कुछ लीटर पानी तो ऊपर भाप के रूप में उड़ जाएगा, है ना, तो वहाँ पर वाटर लॉस होगा। चूंकि ये पूरा कैनाल अंडरग्राउंड रन कर रहा है तो यहाँ पर ऐसी वाटर लॉस की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ये जो सौनी प्रोजेक्ट है वो सरदार सरोवर डैम का पानी रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सौनी प्रोजेक्ट नर्मदा डैम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो जवाब है नहीं, ये नर्मदा डैम प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, मगर ये उस पर बेस्ड है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड SSNNL पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो एक गुजरात गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये हाइड्रो पावर भी जनरेट करता है, मगर जो सौनी प्रोजेक्ट है वो केवल इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग के लिए ही है, यहाँ पर कोई हाइड्रो पावर नहीं लगाई गई है। दूसरा अंतर यह है कि जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो सौराष्ट्र को, कच्छ को और नॉर्थ गुजरात को, इन सारे ज़िलों को सर्व करता है, इन सारे रीजन को सर्व करता है, मगर जो सौनी प्रोजेक्ट है वो केवल और केवल सौराष्ट्र रीजन के लिए ही है। जो 1 मिलियन एकड़ फीट जो पानी मिला था सौराष्ट्र रीजन को उसी को यूटिलाइज करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये इरीगेशन प्रोजेक्ट दूसरे इरीगेशन प्रोजेक्ट से किस तरह भिन्न है अब हम ये देखते हैं। जो पुराने इरिगेशन प्रोजेक्ट होते थे उसमें क्या होता था, उसमें डैम से पानी जाता था फार्म तक डायरेक्टली, ये डैम है यहाँ से पानी गया किसानों तक कैनाल के थ्रू, मगर जो सौनी है यहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ से इसमें होता क्या है कि इस डैम से इस डैम में पानी जाएगा पहले, फिर इस डैम से जो किसान के जो फार्म है वहाँ पानी जाएगा। तो इस तरह ये एक लिंकिंग प्रोजेक्ट है। दोस्तों अभी तक हमने आपको मेंशन किए सारे बेनिफिट्स, सारे फायदे, अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का नुकसान क्या है, इस प्रोजेक्ट का कुछ ड्रॉबैक क्या है। तो देखिए जो प्रोजेक्ट होगा वो मोटर द्वारा पंप किया जाएगा पानी इसमें से, अब मोटर चलेगी तो फिर उसके लिए आपको बिजली चाहिए होगी, जो बिजली पे खर्चा आएगा वो आएगा 7.56 करोड़ मंथली। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो किसानों पर नहीं डाला जाएगा, उनसे ये पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, उसको सरकार पूरी तरह अपने ऊपर लेगी। अब बात यह है कि किसानों को
बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए उनको पानी मिलेगा, तो होगा क्या, वो पानी का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, वो पानी का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा नुकसान क्या होगा, ये मोटर के द्वारा पानी पंप करने का नुकसान ये है कि इस पर खर्चा आएगा और ये पानी इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि वो बॉटल्ड वाटर के जितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे तो हैं, मगर ये प्रोजेक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, सरकार को इस पर जो कॉस्ट कट है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया सानी प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसमें कौन कौन से लिंक हैं, ये सारे हमने बातें आज देखी। अब हम आपको देते हैं कुछ सवाल। सबसे पहला सवाल, नर्मदा नदी का ओरिजिन क्या है, नर्मदा का इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम ये किस राज्य में है, सरदार सरोवर डैम ये किस राज्य में है। तीसरा सवाल, जो ये जो डैम है, ये जो प्रोजेक्ट है बन रहा है सरदार सरोवर डैम, इससे कौन कौन से राज्य बेनिफिट होंगे, कौन कौन से राज्यों को इससे बेनिफिट मिलेगा, आपको इन तीनों सवालों का जवाब देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।